लगभग शहर में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे मेरे जानने परिचित वाले हैं। सर, ऐसी क्या परेशानी देखी शहर सिकंदराबाद की तो आपको चुनाव में आना? शहर में अभी तो फिलहाल तो कोई चेयरमैन है नहीं, लेकिन जो पहले चेयरमैन हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं रही है। मैं समझता हूँ शिक्षा के अभाव में ये सारी घटनाएँ हो रही हैं। और संविधान के अकॉर्डिंग ही हमारे देश में चुनाव कराए जाते हैं, और ऐसा ही नगर पालिका नगर निकाय चुनाव भी संविधान के अकॉर्डिंग कराए जाते हैं, जो कि 90 दिन के अंदर, हमारे शपथ लेने के 90 दिन के अंदर वो सारी समस्याएं अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। तो भी आज तक चेयरमैन बने उन लोगों ने कभी संविधान की जानकारी शहर को शायद नहीं दिवाई। हम जब हम चेयरमैन बनेंगे तो शहर के अंदर शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व देंगे। हर वार्ड में एक स्कूल खुलवाने की कोशिश करेंगे। देखो, अपील यही है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और हमें मतदान करें, ताकि एक योग्य व्यक्ति को आप चुन के शहर पर बिठा सको। और केले का पेड़ है लास्ट में, उस पर ही आपको मोहर लगानी है सुशील कुमार के आगे, और हमें विजय बना। आप सभी को नमस्कार, और मैं आज मौजूद हूं आपके जाने माने और पहचाने प्रोफेसर सुशील कुमार जी के साथ में, जो सिकंदराबाद नगर पालिका से निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि वह किस वजह से और किन मुद्दों पर और जनता की क्या समस्या उन्होंने देखी जो चुनाव मैदान में वो उतरे हैं। और हमारे साथ में प्रोफेसर सुशील कुमार जी हैं। तो सर, आप बताइए, आप पहले तो सर आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर जी, सर सभी को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। मेरा नाम प्रोफेसर सुशील कुमार है, मैं अग्रसेन डिग्री कॉलेज में 15 साल से जॉब कर रहा हूँ। और जब 15 साल से जॉब कर रहा हूँ तो लगभग सभी समाजों के बराबर संपर्क में हूँ, और जो शहर की मेन समस्या है उनको भलीभूत वाफिक हूँ उनसे। तो मैं चाहूँगा कि उनको दूर करूँ। और लगभग शहर में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे मेरे जानने परिचित वाले हैं। तो सर्व समाज का मेरे साथ सहयोग रहेगा, और देखो ज़रूर जीत मिलेगी जी। सर, आपको सर्व समाज का कितना साथ मिल रहा है इस टाइम, जो अभी 11 मई को आगामी नगर निकाय चुनाव हैं, तो उनको देखते हुए आपको कितना समर्थन मिल रहा है? मुझे तो बहुत समर्थन मिल रहा है। मैं जहाँ जाता हूँ, जिधर जाता हूँ, सभी जगह मेरे स्टूडेंट मुझे मिलते हैं, और उनका जो प्यार है एक गुरु के प्रति, जो ये शहर है, इस शहर के सर्व समाज के लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, क्योंकि मेरे प्रति बहुत अच्छा व्यवहार है लोगों का। मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे उनसे लगाव है, तो सभी छात्र मेरा बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, और मेरे मुझे बहुत सम्मान मिल रहा है और बहुत सहयोग मिल रहा है, जिसके लिए मैं हमेशा पूरे शहर का आभारी रहूँगा उस सम्मान के लिए, अपने बच्चों के सम्मान के लिए जो बच्चे मुझे दे रहे हैं जी। सर, जैसे कि कोई व्यक्ति चुनाव मैदान में आता है तो वह समाज की या शहर की कोई परेशानी ऐसी देखता है, तो उसे जब चुनाव में आना पड़ता है, तो आपने सर ऐसी क्या परेशानी देखी शहर सिकंदराबाद की तो आपको चुनाव में आना पड़ा? मैंने एक तो जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, और ऑनलाइन टैक्स नहीं है, सभी लोग वहीं जाके टैक्स जमा करते हैं। अगर मैं बनूंगा तो ऑनलाइन टैक्स की व्यवस्था करेंगे, ताकि आदमी अपने घर बैठ कर टैक्स को जमा कर सके। एक जो मकान दर्ज होते हैं, जो प्लॉट दर्ज होते हैं, उनको भी नगरपालिका के बहुत सारे चक्कर काटने पड़ते हैं, तो मैं ये भी चाहूँगा कि वो ऑनलाइन हो। और जब बरसात होती है तो शहर की सारी नालियाँ चौक हो जाती हैं, उसकी वजह यह है कि नालियों को सही से नहीं बनवाया गया, प्रॉपर नहीं बनवाया गया, और प्रॉपर बनेंगी तो फिर पानी का जलभराव नहीं होगा, और शहर में इतनी ज़्यादा अच्छी सफाई भी नहीं है। अगर हम बनेंगे तो शहर को सफाई करेंगे और इसका मॉडिफिकेशन करेंगे। सर, अभी मैंने देखा है कि अभी यहाँ पर रामबाड़े में पानी की टंकी है, तो वहाँ पर कई सारे डस्टबिन भी रखे हैं, तो वह डस्टबिन शहर में जगह जगह पर नहीं रखे, वो बारिश में ऐसे ही गले पड़े, तो वो क्यों नहीं रखे जाते वो? देखो, शहर में अभी तो फ़िलहाल तो कोई चेयरमैन है नहीं, लेकिन जो पहले चेयरमैन हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं रही है। मैं समझता हूँ शिक्षा के अभाव में ये सारी घटनाएं हो रही हैं। अगर वो शिक्षित होते तो ज़रूर वो कुछ अच्छा सोचते। मैंने देखा है कि वो बारिश में ऐसे ही रखे हैं, और जो कूड़े की जो ट्रॉली होती है वो भी ऐसी रखी हैं। सरकारी जो फंडिंग आती है उसके चीज़ को लेकर वो सही यूज़ नहीं होता, वो बस शिक्षा का अभाव है। अगर शिक्षित होते तो ज़रूर अच्छी जगह रखते हो, ज़रूर उसकी हिफाजत करते।
बस और कोई कमी नहीं है, शिक्षा का कमी के कारण ये सब हो रहा है। जैसे कि सर आप देखते हैं कि देश संविधान से चलता है और संविधान के अकॉर्डिंग ही हमारे देश में चुनाव कराए जाते हैं और ऐसा ही नगर पालिका नगर निकाय चुनाव भी संविधान के अकॉर्डिंग कराए जाते हैं, जो कि आर्टिकल 243 बताता है कि चुनाव कराए जाते हैं। तो उसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 243 जिसके अकॉर्डिंग कर लेकर जनता की समस्याओं का समाधान किया जाता है। जी, ये जो टैक्स हम हाउस टैक्स लेते हैं, वाटर टैक्स लेते हैं, इनसे ही शहर का विकास किया जाता है। जो टैक्स है वो आएगा, शहर का विकास होगा। तो बिल्कुल संवैधानिक दायरे में सब टैक्स होंगे तो संवैधानिक दायरे में उनका काम भी होना चाहिए, उनको सही लगा सकें। एक शिक्षित चेयरमैन का बनना बहुत ज़रूरी है, जो अध्यक्ष है वो शिक्षा से जुड़ा हो, शिक्षित हो, तो ही फायदा मिलेगा। इसलिए हर वोटर को बहुत संभल के वोट करनी है। एक अच्छे योग्य व्यक्ति को अगर चुनोगे तो ये सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। सर मैं एक ऐसे मान सकता हूँ कि जैसे कि वहाँ पर जो नगर पालिका में जो व्यक्ति पहुँचा और जो हमारे मतदाता हैं, क्या वो संविधान की जानकारी रखते हैं? नहीं, सभी मतदाताओं को संविधान की जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारे शहर में जो भी आज तक चेयरमैन बने उन लोगों ने कभी संविधान की जानकारी शहर को शायद नहीं दिवाई, जबकि ज़रूरत है। हर वार्ड में ज़रूर उनके जो अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, उनकी जानकारी ज़रूर दिवानी चाहिए ताकि लोग अपने अधिकार समझ सकें। जी सर, जैसा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले सर्वे करा था सिकंदराबाद में, तो कुछ समस्या ऐसी हैं जो आज भी ही बनी हुई हैं, तो आप चेयरमैन बनने के बाद में तो उन समस्याओं को कितनी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे? जो समस्या आपने रखी हैं, बनाई हैं, मैंने तो अभी देखा नहीं है क्या समस्याएं, लेकिन नहीं वो मैं चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उनको ध्यान में रखते हुए मैंने अपलोड नहीं कर पाया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 90 दिन के अंदर, हमारे शपथ लेने के 90 दिन के अंदर वो सारी समस्याएं अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। शहर को 90 दिन के अंदर ही लग जाएगा कि हमने एक अच्छा योग्य चेयरमैन चुना है, और मैं शहर के जो लोग मुझे वोट करेंगे, मैं और पूरे शहर मेरा होगा, मैं उनकी हर इच्छा पर खरा उतरने की पूर्णतः कोशिश करूँगा। सर आप अपने सामने अपना प्रतिद्वंद्वी किसे मान रहे हैं और टक्कर किससे मान रहे हैं सबसे ज़्यादा अपनी? मेरी टक्कर तो किसी से नहीं है, सभी अपनी अपनी जगह चुनाव लड़ेंगे, और मेरी जो वो है वो समस्याओं से ही है। जो समस्या जैस तस बनी हुई है 76 साल के अंदर सिकंदराबाद में, मैं उन समस्याओं को अपनी समस्या मानता हूँ, बाकी मेरा कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। सब अपनी अपनी जगह ठीक करेंगे, जिसको जनता चुनेगी जनता उसको प्यार देगी, हमें चुनेगी हम उनकी हर समस्या का समाधान करेंगे। सर जैसे कि अभी संविधान की हमने बात करी थी, तो संविधान में बताया गया है कि 14 साल तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए, उसकी अकॉर्डिंग ही नगर पालिका द्वारा प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था की जाती है। जैसे कि हमारे खत्रीवाड़ा में वार्ड नंबर 2 में प्राइमरी स्कूल हैं और यहाँ पर एक और प्राइमरी स्कूल है, तो बहुत कम वार्डों में प्राइमरी स्कूल हैं, तो आप चुनाव जीतने के बाद में प्राइमरी स्कूल खुलवाने की कोशिश करेंगे? आप जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं, प्रोफेसर भी हैं, हम जब हम चेयरमैन बनेंगे तो शहर के अंदर शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्ता देंगे, हर वार्ड में एक स्कूल खुलवाने की कोशिश करेंगे ताकि जो भी बच्चे हैं वो शिक्षा से महरूम न रह सकें, शिक्षा से दूर न रह सकें। शिक्षा हर एक का जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हमारा अभिव्यक्ति है, आज़ादी बात करने की अभिव्यक्ति है, तो हमें पढ़ने की भी अभिव्यक्ति मिली हुई है। ये संविधान का दुआ है, उसका हम क्या करेंगे, वो तो कानून करेगा, और हम ज़रूर करेंगे कोशिश और ज़रूर लगवाएंगे, हर वार्ड में एक स्कूल बनवाने की कोशिश करेंगे। सर आप आगामी 11 मई को चुनाव है, तो उसके समकक्ष में आप सिकंदराबाद की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बस देखो, अपील यही है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और हमें मतदान करें, ताकि एक योग्य व्यक्ति को आप चुन के शहर पर बिठा सको, और शहर को विकास चाहते हो, शहर को मॉडिफाई करना चाहते हो, शहर की समस्याओं से दूर रहना चाहते हो, तो हमें चुनें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। 11 तारीख को सुबह से ही लेकर शाम तक हमें ही वोट करें, और 11वें नंबर पे ही हमारा चुनाव चिन्ह है। सर चुनाव चिन्ह क्या है? सर केले का पेड़ है 11वें नंबर पे। सर ऐसे जैसे कि थोड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे जो चुनाव के टाइम में उन्हें कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, क्योंकि बैलेट पेपर काफ़ी लंबा होता है? बुजुर्ग महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, विकलांगों के लिए सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। जैसे ही कोई बुजुर्ग या विकलांग पहुँचेगा, सबसे पहले उसको वोट डलवाने का काम करते हैं, और हमारे शहर के जो लोग बैलेट में देखकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं किसको वोट करें। नहीं नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल लास्ट में हमारा ही नाम है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। केले का पेड़ है लास्ट में, उस पर ही आपको मोहर लगानी है। सुशील कुमार के आगे केले का पेड़ है, उस पर मोहर लगाएं आप।
और हमें विजय बनाएं, आप अपना आशीर्वाद के रूप में हमें वोट दें और हम उस वोट को अपना जो वजन है आप हमें दोगे उसको हम शहर को दिखाएंगे, नगर पालिका को बेहतर चला के दिखाएंगे। नगर पालिका घर तक जाएगी, घर से नगर पालिका कोई नहीं जाएगा, ये हम शहर को दिखाएंगे कि नगर पालिका उठ के घर आएगी। जी तो धन्यवाद आपका सर, हमें अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। ठीक है।